आज की सभा में मंच पर उपस्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हाजी अब्दुल कादिर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय सचिव श्री महेश गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री श्री संतोष जी, डॉक्टर के पी मुथुकोया जी, श्री एम एस कोया जी, श्री जफर शाह जी, श्री अरविंद मेनन जी, श्री अबू बकर जी, श्री श्रीराज कोया जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए भाइयों और बहनों, मैं 3 दिन की लक्षद्वीप यात्रा पर आया हूँ। कल परसों भी मैं लक्षद्वीप द्वीप समूह में ही हेलीकॉप्टर में से लक्षद्वीप को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि दुनिया के सबसे सुंदर से सुंदर स्थानों में से लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप द्वीप समूह जब उसका नाम लक्षद्वीप रखा होगा तब बहुत सारे समूह होंगे, द्वीप होंगे, इसका एक समूह है। मगर पश्चिम किनारे की सुरक्षा के लिए भी स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। मित्रों, मेरा लक्षद्वीप आने का आशय भारतीय जनता पार्टी के काम को लक्षद्वीप में बढ़ाना है और इसके साथ साथ क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लक्षद्वीप की समस्याओं को सुलझाना और लक्षद्वीप के विकास के कामों को गति देकर भारत की एक महत्वपूर्ण जगह को भारत के साथ सुदृढ़ तरीके से जोड़ना भी है। और इसलिए मैं देश भर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते घूमता हूं, हजारों लाखों लोगों की सभाओं को संबोधित करने का मौके भी आते हैं, कई सारे कार्यकर्ता सम्मेलनों को भी संबोधित करने के मौके आते हैं, मगर लक्षद्वीप की ये छोटी सी सभा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण सभा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार जब से देश में आई है, देश के कई हिस्से जो विकास से अछूते रह गए थे वो सब जगह पे विकास पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी ने द्वीप समूह विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी कंसेप्ट को डेवलप कर दुनिया के सामने और देश के सामने रखा है। जो योजना बनी है 26 द्वीपों के विकास की, उससे उसमें लक्षद्वीप के भी कई द्वीप समाहित हैं, इंक्लूड होते हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, मछीमारी का परंपरागत बिजनेस धंधा, कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा का उत्पादन, सौर ऊर्जा का उत्पादन, ये सारी चीजों को भारत सरकार एक पैकेज बनाकर बहुत जल्दी ही लक्षद्वीप के जनता के सामने आने वाली है। और इसीलिए जो देश में बहुत कम स्मार्ट सिटी की जो पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट जारी हुई उसमें अपने लक्षद्वीप का कवरत्ती को भी स्मार्ट सिटी का स्टेटस देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सालों तक लक्षद्वीप समूह की जनता ने कांग्रेस के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखा, एक परिवार के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखा, मगर दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए, ये परिवार ने लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। मित्रों, सालों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने यहां अफसर की जगह आपको समझ पाए ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को भेजकर लक्षद्वीप के विकास के रास्ते को खोलने का काम किया है। मित्रों, लक्षद्वीप के कुल 36 द्वीपों में से 10 द्वीप पर मानव आबादी है और 10 में से 6 द्वीप ऐसे हैं जहां पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है। 2007 से भारत सरकार ने योजनाएं बनाई हैं
मगर उस पर कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको ये कहने आया हूं कि 2019 के पहले लक्षद्वीप के हरेक द्वीप पर शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। मित्रों, जब हम शासन में आए तब लगभग 12,000 युवा यहाँ बेकार थे, बेरोजगार थे। वो 12,000 बेरोजगारों में से 10% मतलब लगभग 1300 युवाओं को हमने मुद्रा बैंक योजना के तहत रोजगारी देने का काम किया है और वो सारे युवा आज स्वरोजगार के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए और माल मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई है। 10 साल का एक 2015 से 2025 का प्लान बनाया है जिसके अंदर दो ऑल वेदर ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट शिप, 4 अंतरद्वीप इंटरनल फेरी वेसल्स, 9 कार्गो शिप और 1 ऑयल टैंकर को सैद्धांतिक मंजूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। मित्रों, यहाँ की फिशिंग की एक्टिविटी के लिए भी, उसके कोल्ड स्टोरेज और बाकी व्यवस्था के लिए भी भारत सरकार एक प्लांट बना रही है। और यहाँ पर जो नारियल है इसमें पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट यहाँ के नारियल में है। 75% ऑयल कंटेंट लक्षद्वीप के नारियल के अंदर मिलता है। इसका भी मार्केटिंग किस तरह से हो इसके लिए भारत सरकार एक अच्छा प्रयास कर रही है। और यहाँ पर जो टूरिज्म की पॉसिबिलिटीज पड़ी हैं उसके 100% एक्सप्लोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ब्लूप्रिंट बना रही है जो अगले 1 साल के अंदर लक्षद्वीप के लोगों के सामने हम लेकर आएंगे। लक्षद्वीप के मिनी कोई द्वीप के लोग शिपिंग के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। भारत सरकार यहाँ के शिपिंग के लिए जाने जाने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए भी प्रयास कर रही है जिससे यहाँ पर जो शिपिंग की कुशलता है और डिसिप्लिन है उसको पूरे देश के अंदर विस्तृत किया जाए। इस प्रकार का एक ट्रेनिंग सेंटर की भी बात यहाँ पर सोची जा रही है। मित्रों, एक यहाँ की जो हॉस्पिटल है करवती में, इसमें 3 करोड़ के खर्च से एक कार्डियक यूनिट का भी काम भारत सरकार ने हाथ में लिया है। കവരത്തിയിലുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് 3 കോടി രൂപ മുടക്കിൽ ഒരു കാർഡിയാക് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്। 1 നവംബർ 2016 में जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत सरकार ने हाथ में ली है उससे 5,115 बीपीएल फैमिली को 1 करोड़ की लागत से हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम पूरा कर लिया गया है। 6 करोड़ रुपए की लागत से 2 द्वीपों पर डीजी सेट नए बिठाने का भी 2016-17 की बजट के अंदर भारत सरकार ने प्रावधान किया है। 15-16 में 2 कार्गो शिप्स एमवी सागर युवराज और एमवी सागर सम्राट लगभग 60 करोड़ रुपया की लागत से उसको भी अमल में लाने का काम किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा कवरत्ती में लगभग 8 करोड़ की लागत से एक बड़ा स्टोरेज डेपो बनाने का काम भी समाप्त कर लिया गया है। मित्रों, बहुत सारे विकास के काम हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी एक आपके साथ संवाद बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर आगे आने वाले हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में चल रही है उसने देश के हरेक हिस्से को डेवलपमेंट के साथ मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में अपना लक्षद्वीप पण ये हमारे सभी के सभी द्वीप जो 10 के 10 हैं वो भी एक डेवलप अच्छे द्वीप में कन्वर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया में एक महत्वपूर्ण देश बनकर आगे बढ़ रहा है।
दुनिया के अंदर भारत का भविष्य उज्जवल है, ये बात सभी लोगों ने स्वीकार करी है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी करकर आज भारत को प्रतिष्ठा दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से पूरे द्वीप समूह की जनता को अपील करने आया हूं कि आप सभी भी मोदी जी की जो भारत विकास की यात्रा है इसके साथ जुड़िए और लक्षद्वीप को भी भारत के बाकी हिस्सों की तरह एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए आप सभी लोग मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। इतनी मेरी विनंती कर मैं आप सबके सामने अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की, जरा जोर से बोलिए, भारत माता की।